नमस्कार। अभी जो मैं एक घटना बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी लंबी है और 2020 में गोवा प्रवास के दौरान की है हमारे। ये इसकी पोस्ट मैंने अपने ब्लॉग पर उस समय लिखी थी कि जो घटना हुई थी मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने उसी दिन उसको लिखकर अपने ब्लॉग पर पोस्ट किया था। लेकिन चूंकि उस समय मैं यूट्यूब पर अपने वीडियो बनाता नहीं था और ना ही मैंने उस समय कभी सोचा था कि मैं वीडियो पोस्ट करूँगा, मुझे इसमें अचक लगती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है अपने विचार साझा करने के लिए, तो इसीलिए मैं उस पोस्ट को ही फिर से पढ़कर वीडियो की शेप दे रहा हूँ। और वो चूँकि पोस्ट बहुत लंबी है तो मैं उसमें से कुछ एडिट कर रहा हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में पूरा जो ब्लॉग में मैंने लिखा था वो पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप पूरा उसमें पढ़ सकते हैं। उस समय जब मैंने वो पोस्ट किया था तो मुझे बहुत लोगों के आश्चर्यजनक रिएक्शन आए थे और मुझे इंतजार रहेगा आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने विचार मुझे ज़रूर बताएंगे। तो इस पोस्ट को मैंने नाम दिया है यमी से मुलाकात। यमी कुछ अलग सा नाम है ना। यमी है यमदूत का फीमेल वर्जन, यानी फीमेल यमदूत, और मेरी उससे हुई मुलाकात। अब ये मुलाकात मेरे हिसाब से तो सच है, लेकिन आप लोगों को सच लगेगी या नहीं ये आप लोग निश्चित कीजिएगा। हमेशा की तरह 2:30 पर सुबह मैंने ओमनाथ शुरू ही किया था, और इससे पहले मैं 2:30 बजे कुछ ही समय पहले उठना शुरू किया था। उससे पहले मैं 3 बजे उठता था, लेकिन करीब करीब मुझे 10 दिन हुए होंगे जब मैंने 2:30 बजे उठना शुरू किया था, और 2:30 बजे उठ के मैं ओमनाथ सबसे पहले करता था। अब जब मैं पिछले करीब 4 महीने से 3 बजे उठता हूँ तो सबसे पहले ध्यान करता हूँ 1 घंटे का, लेकिन उस समय मैं ओमनाथ से शुरुआत करता था। तो अभी शुरू ही किया था मैंने ओमनाथ करना कि आहट हुई, और आहट ऐसी थी कि मैं डिस्टर्ब हो गया, और मैंने आँख खोल के देखा तो गोवा का जो हमारा घर था वो सड़क के किनारे था, बिल्कुल वो फर्स्ट फ्लोर पर वो घर था, और उसमें एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे जिस पे खड़े होकर हम अपनी सोसाइटी की सड़क देख सकते थे। तो आहट हुई तो मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि उस खिड़की पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई। अब आप लोग कहेंगे कि 2:30 बजे इतने अंधेरे में उस लड़की की खूबसूरती मुझे कैसे दिख गई। दरअसल मेरी उस खिड़की के सामने ही थोड़ा डायगोनल राइट हैंड साइड में एक ग्राउंड फ्लोर पर एक मकान का दरवाज़ा है। वो दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, खास तौर पर सुबह 5 बजे तक, और 5 बजे ठीक 5 बजे वो बंद होता है, और उस पर बाहर एक पीले रंग का बल्ब जो पीली रोशनी देता है वो रहता है और वो जला रहता है, और उसमें रहने वाला एक ही शख्स है, एक ही आदमी है जो मैंने देखा कि
3 बजे 2:30 बजे 4 बजे उस दरवाजे पे खड़ा रहता है। क्या यंत्र मंत्र करता है मुझे पता नहीं, लेकिन वो खड़ा रहता है। या फिर उसका ही वही समय होता था जब वो इधर एक कोठी थी उसकी तरफ कूड़ा करकट फेंकने का, तो वो उसकी रोशनी की वजह से मैं उस लड़की को देख पाया। अब वो खिड़की पर बैठी थी तो मैं अचकचा गया और मैंने अपने आप को देखा, सोचा, देखा कि मैं श्योर हूँ कि मैं जग रहा हूँ और मुझे लगा कि मैं जग ही रहा हूँ। और वो लड़की खिड़की पर बैठी थी और बैठी ऐसी थी कि हवा में थी वो। मैं थोड़ा चौंका, लेकिन उस रोशनी की वजह से ना वो साफ मुझे नजर आ रही थी। जब मैं ये सब सोच ही रहा था कि मैं जगा हूं या नहीं, तो उस लड़की ने मुझे कहा, मैं सपना नहीं हकीकत हूं। इधर से गुजर रही थी, इतनी सुबह कलयुग में कौन बेवकूफ ओम नाथ कर रहा है, ये सुनकर मैं रुक गई। यही जिज्ञासा मुझे आप तक ले आई। मैंने कहा, मोहतरमा आप पहले बैठ जाइए, कहीं गिर जाएंगी तो अच्छा नहीं रहेगा, और अपना परिचय दीजिए। मेरी बात सुनकर पता नहीं कहाँ से एक नक्काशेदार कुर्सी प्रकट हुई और वो उस पर बैठ गई, लेकिन उसी खिड़की पर बैठी थी और कुर्सी पर बकायदा संतुलन बना हुआ था जैसे वो जमीन पर बैठी हुई है। वो बोली, मैं अपना परिचय तो दे दूं, लेकिन मैं मेरा परिचय पाते ही मेरी खूबसूरती बदल जाएगी आपकी नजरों में। मुझे लगा, यार ये तो राजकुमार राव वाली फिल्म की बदसूरत और खूबसूरत चुड़ैल हो सकती है। हम लोगों को तो क्या याद आता, पिक्चरें याद आती हैं ना अच्छे और बुरे समय में। अभी मैं ये सोच ही रहा था, वो बोली, मैं राव वाली यमी नहीं हूँ। मेरा नाम यमी है, मैं राव वाली यमी नहीं हूँ, लेकिन इतनी देर बात करके मैं थोड़ा सहज हो चुका था। शुक्र था कि मेरी पत्नी मीनाक्षी और बेटी के कमरे में सो रही थी, क्योंकि जब से मैंने 2:30 बजे और 3 बजे उठना शुरू किया था तब से वो दूसरे ही कमरे में सोती, क्योंकि इतने बजे उनका सोने का टाइम ही 12 बजे 11:30 बजे 1 बजे होता है और मैं 1-2 घंटे बाद उठ ही जाता हूँ, तो डिस्टर्ब ना हो, तो फिर ये निश्चित हुआ कि वो दूसरे कमरे में सोएं। तो मैंने उस यमी से कहा, आप आराम से अंदर बैठें, खिड़की से गिर सकती हैं, सड़क से भी कोई देखेगा तो अजीब लगेगा कि कौन लड़की बैठी हुई यहाँ पर, हालांकि इतनी सुबह कोई आएगा नहीं। उसने कहा, मैं यहीं ठीक हूँ, फिलहाल मुझे आपके अलावा कोई देख नहीं सकता है ना सुन सकता है। फिर बोली, आप तो 3:30 बजे उठते हैं, 2:30 बजे क्यों उठने लगे? वो बोली, मैं आपके मुँह से सुनना चाहती हूँ, मुझे तो पता ही है। मैंने मनी मन सोचा, हरीश बाबू ये चुड़ैल है, इसे तो वो सब भी पता होगा जो सिर्फ मुझे पता है। मैंने कहा, तुम्हारी तरह ही खूबसूरत है तुम्हारा नाम यमी, हमारी फिल्मों में भी एक यमी है, मुझे अच्छी लगती है, यामी गौतम।
बहुत कमाल की एक्टर है, मुझे अच्छी लगती हैं। यमी बोली, हाँ मैंने देखी हैं उसकी कुछ फिल्में। मैं लेकिन वो वैसी यमी नहीं हूँ, ना ही वो स्वाद वाली यमी हूँ। मेरी दूर से मेरी आंखों में आंखें डालती हुई बोली, मैं यमराज वाली यमी हूँ। और उसने जिस ठंडी भाषा का इस्तेमाल किया उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यदि उस समय कोई मुझे रिकॉर्ड करता तो मेरे चेहरे का रंग एकदम सफ़ेद पड़ चुका था वो देखता, फिर भी मैं डरा नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए बोला, यमराज वाली यमी। मैंने तो क्या और कि सबने यमराज के नाम पर तो यमराज को ही सोचा समझा है, फिल्मों में भी दिखाया है। यमराज एकदम भैंसे पर बैठा हुआ, काला, रहीम सहीम और मुकुट लगा हुआ, दो सींग भी, और एक तुम। यमी बोली, आपकी गलती नहीं है, पहले मैं भी ऐसे ही मानती थी, ऐसे ही होते भी होंगे, लेकिन समय बदल रहा है। समय के हिसाब से ब्रह्मांड ने सोचा कि जिंदगी भर बेचारा इंसान 2/4 में लगा रहता है, पूरा जीवन भर संघर्ष करता है, आखिरी समय में तो खुशी खुशी आए। यमराज को देखकर ही मर जाता है इंसान, लिहाजा मरने से पहले तो कम से कम उसको सुकून मिले, इसलिए ये बदलाव किए गए हैं। अब मैं पहली बार घबराया, मेरे सामने जैसे फिल्म चल रही है। यार अभी तो कर्ज चुकाना है, 10-12 किताबें लिखनी हैं, फिल्में बनानी हैं, रीनी की शादी करनी है, पता नहीं कितनी जितनी भी भौतिक चीज़ें थी मेरे दिमाग में आ रही थी। फिर मुझे याद आया, इसने बोला था यहाँ से गुजर रही थी ओम ना सुनकर रुक गई, तो हरीश बाबू घबराओ मत, तुम्हारा नंबर अभी आया नहीं है। मैंने यमी को देखा, वो मुस्करा रही थी। वो बोली, बदल गया ना अंदाज, मुझे मुझ जैसी खूबसूरती को देखने का मरने की घबराहट होने लगी। यह काम बाकी फिल्में बनाना, अलिनी की शादी, इतना समय दिया तुम्हें, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल क्यों किया? सुबह उठना, भागा दौड़ी करना, ध्यान, टीवी पर खबरें देखना, अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? कुछ करते, सीरियसली करते, हम भी सोचते इसे रहने दो, अभी अच्छा काम कर रहा है, इसका लाभ अन्य लोगों को मिलेगा। लेकिन नहीं, आपको हरीश 4-5 साल दिए थे कुछ करने के लिए। मैंने कहा, लिखी ना 4 किताब, आई एम नॉट गिल्टी कसाब, मुझे अफसोस नहीं कसाब, और नो वर्ल्ड 2 करोड़ हिंदी और अंग्रेजी में। तो 3-4 साल में 4 किताबें लिखना तो अच्छा रिजल्ट है, और इन सबको देखने से मुझे कुछ मसाला मिलता है अपने स्टोरी लिखने के लिए, किताबें लिखने के लिए, तो इसको तो मैं बहुत बुरा नहीं मानता हूँ। फिर यमी बताओ मुझे, 55 की 56 की उम्र में मुझे कोई बीमारी नहीं है, रोज़ 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, वॉक करता हूँ, इतनी जल्दी उठता हूँ, ध्यान करता हूँ, ओम नाथ करता हूँ, पाठ पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, ये सब देखते मुझे लगता है कि आप गलत पते पर आ गई हैं।
मेरी उम्र नहीं है आपके साथ जाने की, अभी ना ही मुझे कोई बीमारी है। यमी मुस्कुराई, बोली, हमें पूछने की जरूरत नहीं होती पंडित जी, और आपने जो चीज़ें बताई हैं ध्यान, सेहत आदि, वो सब हर इंसान की ज़रूरत है। 55-56 तक एकदम फिट, ध्यान से, शांति, ये सब कितने लोग कर पाते हैं? इस देश में 2% भी नहीं। तब हमारे पास बहाना होता है बीमारी के नाम पर ले जाने का, लेकिन हमें भी तो फिट लोग चाहिए। मुझे लगा बहस करना बेकार है। मैंने पूछा कितना समय है मेरे पास। उसने कलाई देखी, मैंने देखा कोई घड़ी तो थी नहीं, लेकिन कलाई पर ही समय साफ नजर आ रहा था। बोली, ये नई टेक्निक है, आप लोगों के यहाँ भी आने वाली है, लेकिन आप देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे मुझे पता है। हाँ, आपके पास 45 मिनट है। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट थी। मैंने कहा ठीक है, मैं घर वालों को बता देता हूँ ये भी कि कैसे क्या करना है सब मेरे जाने के बाद। ये भी बोली, नहीं, वो सब की जात नहीं है। मैंने कहा ओके, प्लीज हम दोनों की बातचीत मोबाइल पर ही लिखने दो, क्या पता यही इतना पसंद आए लोगों को कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। और जाते जाते मुझे सब जान जाएं, अभी तो हमारे पास समय भी है 45 मिनट का। यमी ने कान पर हाथ रखा, कुछ सेकंड को अपनी झील से आंखें बंद की, जैसे किसी से बात कर रही हो, फिर बोली, ठीक है लिख लो, लेकिन सेव करना सही से। आपके माध्यम से ही पहली बार लोगों को यमराज वाला भ्रम टूटेगा और मेरे बारे में पता चलेगा। मैंने कहा, यानी कि मैं यमी को दुनिया के सामने लाने का माध्यम बनने जा रहा हूँ। यमी मुस्कुराई, बोली, ऐसे ही समझ लीजिए। मैंने तुरंत मोबाइल चालू किया, पूछा, यमी जी लिखने की जहमत क्यों उठानी है, मेरा मोबाइल आधुनिक है, हमारी बात रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपको तो पता ही है मीनाक्षी अच्छा लिखती हैं, कुछ दिन में बढ़िया से आर्टिकल आ जाएंगे पंजाब केसरी में और अन्य अखबारों में, तो आपके विषय में भी सबको पता चल जाएगा बहुत जल्दी। यमी बोली, यही समस्या है आप लोगों की, उंगली पकड़ाओ और पोंछा पकड़ने में देर नहीं लगाते, जाते जाते भी मीनाक्षी की ही चिंता है आपको। मैंने कहा, मेरी पत्नी है, आई लव हर टू मच। मेरी आंखें भीग गई। यमी ने देखा, बोली, भावनात्मक भयाध्वन, चलो कोई नहीं, जो करना है करो। मैंने कहा, पास आ जाती या मैं आ जाता तो आवाज साफ रिकॉर्ड हो जाती। यमी ने आंखें झपकाई, यानी अपने पास आने को कहा, मेरे दिमाग में फालतू का ख्याल आया, इसको धक्का दे दूं तो वो तो सब पहले से समझ जाती थी। बोली, मैं गिरती नहीं उड़ती हूँ। और इतनी उड़ गई। मैंने देखा वो सामने का पूरा चक्कर लगाकर वापस आकर फिर वहीं बैठ गई। मैंने कहा, सॉरी, इंसान हूँ ना, अपनी फितरत से बाज थोड़ी आऊँगा। मैंने मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन की। मैंने कहा, आप मुझे डरा रही हैं ना, आपने कहा था ओम सुनकर रुक गई थी। यमी मुस्कुराई, बोली, ऐसे में भी याददाश्त बहुत तेज है आपकी। सही है, अभी आपका समय नहीं आया है। मैंने गहरी सांस ली। आप अपने पर्यंत काम खत्म कर लीजिए, आपके पास पर्याप्त समय है। मैं खुश हो गया।
और बोला, आपको तो सब पता ही है, कुछ देर बात ही कर लेते हैं, लेखक हूँ, अच्छा और सच्चा लिखूँगा। यमी बोली, आपको बताया तो 45 मिनट हैं आपके पास, उसके बाद मुझे जाना है। ठीक है, आपसे ही शुरू करते हैं, ये यमी का क्या चक्कर है? आप अंदर आ जाइए, मैंने फिर से रिक्वेस्ट की। अब वो कमरे में अंदर आकर अपनी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। बोली, मैं दूत हूँ, प्रभु की दूत। अभी मुझे लोगों को मोक्ष लोक ले जाने की जिम्मेदारी मिली हुई है। मैं भी 3 साल पहले इसी युग में थी, आपकी तरह ही पूजा पाठ करती थी, पढ़ाई भी कर रही थी। एक रात नींद में ही मुझे एक यमी ले गई। मुझे अपने कर्मों के चलते उतनी ही उम्र में मोक्ष मिल गया। अब मैं दूत बनकर जो काम मिलता है उन्हें करती हूँ। मैंने कहा, इसका मतलब आप बहुत युवा रही होंगी। उसने कहा, जितना मैं दिख रही हूँ, मेरी मौत के समय उतनी ही मेरी उम्र थी। मैंने कहा, आपको तो मोक्ष मिल गया, नरक भी तो होगा वहाँ। हमारे यहाँ नरक नहीं होता, वहाँ सिर्फ मोक्ष होता है। नरक के लिए हम मनुष्य युग यानी कलयुग का ही इस्तेमाल करते हैं, भेजते रहते हैं इसी पृथ्वी पर बार बार, इससे अच्छा नरक कहाँ होगा। लेकिन मैंने तो पढ़ा सुना है कि नरक में ले जाते हैं, खोलते तेल में डालते हैं, पशु पक्षियों से नचवाते हैं। सुना तो सही है, सभी कार्यक्रमों के अनुसार इस पृथ्वी पर ही कराते हैं वो सब काम। सर, क्या वास्तव में होता है? मैंने प्रश्न किया। यमी बोली, हमारे यहाँ मोक्ष होता है, स्वर्ग नरक सब पृथ्वी पर होता है, कर्मों के अनुसार उसे यहीं भोगना पड़ता है। मैंने तो स्वामी योगानंद जी की किताब में लहरी महाशय का प्रकरण पढ़ा था, कैसे उन्हें स्वर्ग के दर्शन हुए थे, मैंने कहा। यमी ने अपना लंबा हाथ कर मेरे माथे पर रख दिया। मुझे एक झटका सा लगा। अब मैं एक महल के सामने खड़ा था, जैसे महल हम पौराणिक धारावाहिकों में देखते हैं। मैं महल के अंदर गया, दोनों तरफ बहुत बड़े कमरे बने हुए थे। एक कमरे में चला गया, वहाँ की हर दीवार पर ऐसा लग रहा था जैसे टीवी चल रहा हो। अचानक एक दीवार पर मैंने खुद को देखा, पूरी बातचीत जो यमी से हो रही थी वो चल रही थी। यमी ने मेरे माथे पर हाथ रखा था तब से लेकर, और शुरू में जो मेरी बातचीत हुई थी वो सब मुझे नजर आ रहा था। मैं भविष्य देखने के लिए रुकना चाहता था, लेकिन कोई तो था जो मुझे बाहर ले गया। अब हम एक बड़े से हॉल में थे, मुझे लगा अंगूर खाना चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसी इच्छा उस समय हुई। तो एक मेज लग गई और उस पर 50 तरह के अंगूर रखे थे। मैंने एक अंगूर तोड़कर मुंह में रखा ही था कि अपने कमरे में वापस आ गया। यमी ने कहा मुस्कुराकर, अंगूर तो खा लो। मैंने अंगूर खाते हुए कहा, इतना बड़ा और इतना मीठा अंगूर मैंने आज तक नहीं खाया। वो बोली, मोक्ष मिलने के बाद हमारे यहाँ सभी ये संसारिक वस्तुएं गौण हो जाती हैं, कुछ खाने सोने आदि की आवश्यकता नहीं होती, अंगूर आदि आप जैसों के लिए होते हैं। मैंने कहा, ओके, यानी सब बराबर, जर जोरू जमीन का लफड़ा ही नहीं, समस्या ही खत्म। अच्छा, तो ये बताएं, भगवान अल्लाह जीसस नानक देव जी ये सब होते हैं वहाँ? मैंने पूछा। यमी बोली, वहाँ तो एक ही है, सब उनमें ही समाये हुए हैं, जैसे देखना चाहो वैसे ही दिखते हैं। मतलब वहाँ भी इंसानों की तरह अपने इष्ट देव को देखने वालों की सोच अलग अलग है? मैंने कहा। वो मुस्कुराई, बोली, आप 20 पाठ करते हैं सभी भगवानों के, नवग्रह के,
आपको पता है सब एक हैं फिर भी बीच पाठ क्यों करते हैं। इसी तरह से हम नहीं जैसे वो चाहते हैं वैसे हमारे सामने आते हैं। हम में से ही किसी के अंदर अपना रूप रखकर आप क्या कह रही हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बोली आएगा तब तक दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर मैं पार्ट वन ख़त्म करता हूँ क्योंकि 25 मिनट की बातचीत हो चुकी है। इसके बाद कि आगे की घटना मैं पार्ट टू में रिकॉर्ड करके पोस्ट करूँगा।